अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब दोस्तों का क्या हाल है जी? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त कामरान सदीक जिजुआ एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आरटीए का जो कंप्यूटर टेस्ट जिसको थ्योरी टेस्ट कहा जाता है, वो आप किस तरह से इजीली फर्स्ट ट्राई में जो है वो पास कर सकते हैं, आज वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। जो भी दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में जो भी आपका सवाल है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, अगर आप दुबई यूएई के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस लेने जा रहे हैं, चाहे वो कार का हो, चाहे वो बाइक का हो, चाहे वो बस का हो, ट्रक का हो, किसी भी कैटेगरी का ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप यूएई दुबई के अंदर लेने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको आरटीए का एक थ्योरी टेस्ट जिसको कहते हैं कंप्यूटर टेस्ट, वो क्लियर करना पड़ता है। अब कंप्यूटर टेस्ट आपको उस सूरत में भी क्लियर करना पड़ता है अगर आपके पास जीसीसीआई का ड्राइविंग लाइसेंस है, और उसको भी अगर आप एक्सचेंज करवाते हैं तब भी आप जो है कंप्यूटर का टेस्ट लाजम जो है वो आप उसको पास करते हैं, नहीं तो आपको जो है वो अदरवाइज आप एक्सचेंज लाइसेंस नहीं कर सकते। अब ये टेस्ट होता क्या है, इसको किस तरह से जो है वो आप इजीली आसान तरीके से क्लियर कर सकते हैं। देखिए, बेसिकली क्या होता है कि 40 सवाल आपके कंप्यूटर पे आते हैं, 3 से 4 उसमें लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज उसमें कौन कौन सी होती है? इंग्लिश होती है, अरबिक होती है, उर्दू होती है। ये 3 लैंग्वेज होती है जिन लैंग्वेज में आपने उस कंप्यूटर पे बैठ के आपने अपने सवालों का जवाब देना होता है। अब उसमें टोटल जो सवाल आते हैं वो 40 सवाल होते हैं। 40 सवाल में से आपने 33 यानी कि 33 जो सवाल है उनका राइट आंसर आपने देना होता है। अब सीन क्या होता है कि आपसे फर्स्ट आपसे मिसाल के तौर पर सिग्नल का, अगर आपका आपके सामने उस कंप्यूटर के ऊपर स्क्रीन के ऊपर सिग्नल का कोई साइन का आ जाता है, साइन बोर्ड आ जाता है, तो वो आपसे ये पूछ लेते हैं कि इस साइन बोर्ड को क्या कहते हैं। नीचे 3 उसके ऑप्शन दिए गए होते हैं, आपने उनमें से उस ऑप्शन को क्लिक करना होता है जो आपको लग रहा होता है कि ये इसको ये कहा जाता है। तो वो जब आप सिलेक्ट करते हैं तो फिर आप नेक्स्ट पे चले जाते हैं, तो नेक्स्ट पे फिर आपसे सवाल आ जाता है। अब एक तो इस तरह से सवाल आता है, और दूसरा किस तरह से सवाल आता है, दूसरा इस तरह से भी सवाल कभी कभी आ जाता है कि अगर आप बारिश में गाड़ी चला रहे हैं तो आप किस कंडीशन में जो है वो गाड़ी चलाएंगे। नीचे 3 फिर ऑप्शन आ जाएंगे, आप कंडीशन बताएंगे कि मैं बारिश में किस तरह से जो है वो गाड़ी चलाऊंगा। नीचे ऑप्शन होंगे, आप सिलेक्ट करेंगे जो आपको लगता है कि ठीक ऑप्शन है वो आप सिलेक्ट करके नेक्स्ट ऑप्शन पे फिर चले जाएंगे, नेक्स्ट आपको सवाल आएगा। इस तरह से आपको जो है वो टोटल 40 सवाल आएंगे, 33 का आपने जो है वो आंसर करना है। 30 मिनट का टाइम आपके पास होता है, सो इसलिए टाइम का भी आपने बहुत ज्यादा जो है वो ख्याल रखना है। अच्छा, लैंग्वेज मैंने आपको बता दी कि 3 लैंग्वेज होती है। अच्छा, इसकी जो फीस होती है वो 20 दिरहम जो है वो इसकी फीस होती है। अगर आप फेल हो जाते हैं तो दोबारा 20 दिरहम दे के आपको इसको दोबारा 1 वीक के अंदर अंदर आप इसकी डेट जो है वो हासिल करके दोबारा आप इसको दे सकते हैं। अब इसकी जो मेन तैयारी होती है वो आप किस तरह से कर सकते हैं, आप अपने प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहां पर आप लिखेंगे दुबई थ्योरी टेस्ट, उसके रिलेटेड एक एप्लीकेशन है दुबई गवर्नमेंट की ऑफिशियल, वो एप्लीकेशन आप इस पे जो है वो प्रैक्सेट करके जो है वो आप तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा जिस ड्राइविंग स्कूल में आप जाते हैं वहां पे एक कार्ड भी आपको मिलता है जिसपे पूरे साइन के जो है वो नाम और उसका क्या मतलब है वो सारे उस पर मैंशन होते हैं। वो कार्ड भी आप 5 दिरहम का मिलता है, वो कार्ड भी आप लेके उसपे भी जो है वो आप अपनी तैयारी जो है कर सकते हैं। इसलिए थ्योरी टेस्ट को इतना डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन उन लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है जिनको लैंग्वेज का मसला बनता है। सो वहां पर आप ये भी बात कर सकते हैं कि यार मुझे लैंग्वेज का मसला है, इसलिए आप मुझसे कोई ऐसी मेरी हेल्प करें जिसमें मुझे लैंग्वेज का इश्यू ना बने। सो इस तरह से आप जो है वो थ्योरी टेस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। आरटीए का जिसको थ्योरी टेस्ट कहा जाता है, कंप्यूटर टेस्ट जिसको कहा जाता है, इजी होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में ये आपको बात समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई यार तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट्स में जो भी आपका सवाल है वो नीचे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।